हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्नोलॉजी यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में एसएससी जीडी कांस्टेबल 2021 के एप्लीकेशन स्टेटस जो है रीजन वाइज आना स्टार्ट हो चुके हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप अपना एप्लीकेशन स्टेटस कैसे चेक कीजिएगा। तो कंप्लीट आप वीडियो इन तक देखिएगा। चैनल पर नए होंगे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन प्रेस करें ताकि ऐसी जुड़ी वीडियो की अपडेट की जानकारी सबसे पहले आपको मिले। सबसे पहले आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया होगा, उस लिंक पर क्लिक करके आपको यहाँ पे आ जाना है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो है सभी रीजन यहाँ पे मेंशन किए गए हैं और यहाँ पे उसके वेबसाइट और यहाँ पे स्टेट आपको साफ साफ मेंशन किए गए हैं। चलिए एप्लीकेशन स्टेटस के बारे में हम जान लेते हैं। एप्लीकेशन स्टेटस चेक करने के लिए फ़िलहाल जो है अभी एक ही रीजन का एप्लीकेशन स्टेटस आया है, जिसका नाम है सेंट्रल रीजन। तो सेंट्रल रीजन के अंतर्गत अगर आप आते हैं तो आप एप्लीकेशन स्टेटस चेक करने के लिए आपको इस वेबसाइट लिखे हुए आइकन पर क्लिक करना है। तो आपके पास जो है कुछ ऐसा जैसे आप हमारे विंडो पेज पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो सेंट्रल रीजन एट यहाँ पे आ चुका है और नीचे आपको यहाँ पे स्टेटस ऑफ कॉन्स्टेबल जीडी सेंट्रल आर्मी फोर्स पुलिस फोर्स असम राइफल एग्जामिनेशन 2021, जैसे आप इस पर क्लिक कीजिएगा तो आपके पास कुछ ऐसा विंडो पेज ओपन होगा और नीचे आपको स्क्रॉल करना है और यहाँ पे प्रोसीड नाउ लिखे हुए बटन पे आपको क्लिक करना है। जैसे प्रोसीड नाउ लिखे हुए बटन पे क्लिक कीजिएगा तो आपके पास कुछ ऐसा विंडो ओपन होगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे बताया गया है स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन कॉन्स्टेबल जीडी सेंट्रल आर्मी फोर्स ऑफ असम राइफल एग्जामिनेशन 2021। एप्लीकेशन स्टेटस को आपने चेक करने के लिए आपको यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन आईडी, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद एग्जाम सिटी सेलेक्ट करके उसके बाद इस कैप्चर को सम करके उसके बाद सर्च कीजिएगा तो आप अपना एप्लीकेशन स्टेटस चेक कर पाइएगा। अगर आपके पास एप्लीकेशन स्टेटस का रजिस्ट्रेशन आईडी नहीं है तो यहाँ पे सिर्फ अपना नेम, फादर नेम और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालकर एग्जाम सिटी सेलेक्ट करके उसके बाद इसे कैप्चर को फिलअप करके उसके बाद सर्च लिखे हुए बटन पर जैसे क्लिक कीजिएगा तो आप अपना एप्लीकेशन स्टेटस चेक कर पाइएगा। चलिए हम इस पे हम डाल के उसके बाद हम दिखाते हैं कुछ ऐसा एप्लीकेशन, इसे हम फिल कर देते हैं उसके बाद हम इसे सर्च करके उसके बाद दिखाते हैं दोस्तों कुछ ऐसा एप्लीकेशन। तो दोस्तों हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है और यहाँ पे हमारा फॉर्म जो है एक्सेप्ट यहाँ पे बता रहा है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं कि अन्य रीजन जो अलग से जो रीजन बचे हैं उनके एप्लीकेशन स्टेटस कब आएंगे। तो मैं बता दूं कि उनके एप्लीकेशन स्टेटस जो है धीरे धीरे आने उनके शुरू हो चुके हैं। अभी जो है सिर्फ एक ही रीजन का एप्लीकेशन स्टेटस आया है, जिसका नाम है सेंट्रल रीजन, और बाकी अन्य रीजनों का एप्लीकेशन स्टेटस जो है धीरे धीरे आपको एक से दो दिन के अंदर सभी रीजन का एप्लीकेशन स्टेटस देखने को मिल जाएंगे। कुछ इसी प्रकार जो है बाकी अन्य रीजन का भी एप्लीकेशन स्टेटस चेक होगा। तो आप हमारे इस वीडियो में कमेंट करके आप हमें बताइए कि आप किस रीजन के अंतर्गत आते हैं, ताकि उस रीजन का जैसे ही एप्लीकेशन स्टेटस चेक होना शुरू हो तो हम आपको सबसे पहले उसकी जानकारी देने की कोशिश करें। सो आई होप कि दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को अब से सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसी जुड़ी वीडियो की अपडेट की जानकारी सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू।